केजरीवाल सरकार दिल्ली में शाही शादियों पर रोक लगाने की तैयारी कर रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शादियों में होने वाले खाने और पानी की बर्बादी पर नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार एक पॉलिसी बनाने का विचार कर रही है। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार शादी समारोह में मेहमानों की संख्या सीमित कर सकती है, साथ ही नियम बना सकती है कि कार्यक्रमों में बचा हुआ खाना जरूरतमंदों को दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी नियम बनाया जाएगा कि शादियों की वजह से ट्रैफिक बाधित नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से चर्चा की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई मॉनिटरिंग कमेटी ने भी इसके लिए हामी भर दी है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार से संबंधित एक अधिकारी के मुताबिक इसमें तय किए गए नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार हैं। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारीपूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतीक शर्मा, पंजाब केसरी दिल्ली।